कट पे आ, दे दिया बोनी। अब बढ़िया है। अब जो गई है वो कौन है तेरी दीदी? दीदी तो क्या उसे वहां रख लोगे क्या अपने लिए? अरे हम न रखब, अगर तुम भेज दो कल तो तू चार तो रख ले। तो नहीं रखना है तो कई बजने वाला है उसे फोन दो। ले ले बात फोन दो। ए दीदी ले 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 बात कहिए। जीजा तेरी बहिनी का पागल हो जाता है। हेलो मधु जी, तेरे दिमाग में भूसा भर गया है? नहीं तो जो मैंने कहा गया अपने दिमाग से उतर गई है? नहीं जी मुझे याद है। तुझे कहा था कि स्कूल खुलने के पहले घर आना है? जी अभी एक डेढ़ घंटा बाकी, बस निकलने वाले हूँ यहाँ से। तत्काल जिस साल में है मेरे बेटे संजू को ले और चुपचाप निकल ले। लेकिन हाँ क्या जो कहा 200-400 जल्दी निकल वहां से। जी देना, ये सच में जीजा जी का फोन था? हाँ कृष्णा। क्या कह रहे थे? वो घर आने के लिए बोल रहे थे। घर आने के लिए कोई जरूरी काम पड़ गया कि अचानक फोन कर दिया? भगवान जाने। खैर कोई बात नहीं बहना, अगर ये बात है तो कोई काम होगा इसलिए फोन किए हैं। आप जा सकती हैं, हमें भी ड्यूटी में जाना है जो कि हमारी पहली ड्यूटी है। और हाँ बहना, क्या जब भी हमें छुट्टी मिलेगी हम आपसे मिलने जरूर आते रहेंगे। हाँ कृष्णा, जब तुम्हें ड्यूटी से छुट्टी मिले तो सबसे पहले मेरे घर आना। ठीक है बहना। और रवि भैया तुम्हें भी कहती हूँ। अरे क्या बात है, अरे बोलेगा कुछ क्यों हो रहा है? अब हम आपको क्या रे, अब आपका खाना पानी को दे। अरे पगले मैं चले जाऊंगी तो यहाँ मेरे भाई रवि और भैया कृष्णा हैं, ये बना के खिलाएंगे नहीं क्या? अभी चले गए तुमको हम बता देगी। अरे सुनो, अरे हम जब ड्यूटी से आएंगे ना तो हमेशा तुम्हारा देखभाल करेंगे, कैसी बातें करते हो। और रही बात खाना बनाने की, अरे तुम्हें खाना बनाने वाले हम एक कर देंगे बस ना। बक पागल कहीं का दीदी। कृष्णा पहले मेरी बात सुनो, अरे कम से कम भैया रवि की शादी कर दो, अगर वो नहीं करते तो तुम कर लो, कम से कम खाना पीने के लिए के तो आराम हो जाए। आप जैसे कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। और क्या, लेकिन थोड़ा कुछ दिन तक थोड़ा पैसा आने दो बहना। ठीक है मैं जा रही हूँ वरना। यहाँ ठीक है समझा ले नया बार। क्या हुआ इलावत है? अभी जब मैं आई थी तब तू उसके साथ बैठ के उक्कू कुक्कू खेल रहा था हराम ज्यादा, और अब थोड़ी सी गिराने लगा तब तेहा हो गया। दिमाग खराब है क्या? यहाँ पर जो धंधा तैयार किए है, अगर हमारे भांजे को अगर कुछ किया तो उल्टा हाथ मारूंगा, बदतमीज कहीं के। भांजा का ना देखे कोई उल्टा। जाओ जो पिस्ता में बात कर। खुश रहो। और मिला तुम पढ़ाई पे ध्यान देना, हमेशा मेहनत से पढ़ना, अगर कोई तरह की दिक्कत हो अपने मामा के पास फोन करना कभी। ठीक है जाओ जाओ बेटा। और भैया मुन्ना हमारी पहली ड्यूटी है। हाँ मुन्ना। आपको भी समय से जाना है और हमें भी समय से जाना। हाँ है मुन्ना। और एक चीज को ध्यान दो, अभी क्या कह रहे थे कि खाना बनाने वाला कोई नहीं है। हाँ। अब हमें कौन खाना बनाएगा? अब एक काम करो भैया, अपनी शादी कर लो। ठीक है, कम घर में खाना बनाने वाले तो रहेंगे। ठीक है मुन्ना। क्यों? अरे क्यों नहीं, जरूर तुम्हें क्या खाना मिलेगा। ठीक है, जैसे पहले मिलता था उसी तरह आज भी मिलेगा। भैया जिस वक्त आप शादी कर लेंगे कितना अच्छा लगेगा। हाँ मुन्ना। जानते हो क्यों? क्यों? अरे हमरे भैया हो। क्यों? अरे हमरे भैया हो और हमरी भौजी हो। अरे राम जैसा भैया सीता भौजी हमरे भैया हो।
अरे हमरे देशवा के आजादे, अरे हमरे देशवा के आजादे, इस दिन कुर्बानी हमारे देशवा के आजादे, और लिख दे कुर्बानी मांगेला, और धरती से प्यार और नभ से गुलाल, और घर खाता से काले, और धरती से प्यार और नभ से गुलाल, और हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि कौन है। मेरा नाम बिजली है, बिजली ही नहीं बल्कि डाकू बिजली। लोग मुझे डाकू बिजली के नाम से जानते हैं, मगर आप लोग ये सोचते होंगे कि बिजली डाकू बनी तो कैसे बनी। मेरी बहुत भरी कहानी है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बताऊं या ना बताऊं। इस बिजली के बीच माँ और बाबूजी थे, हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे और मेरे माँ को और मेरे बाबूजी को, मेरे बाबूजी को ब्लड कैंसर था, वो बीमार रहा करते थे। मेरी माँ किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाती थी, मेरा पेट पालती थी और मेरे बाबूजी का इलाज करवाती थी। हमारे गांव के जमींदार जिसका नाम भोग सिंह, उस रामजादे ने कुल 500 रुपए खातिर मेरे आंखों के सामने मेरे माँ को और मेरे बाबूजी को जान से मार डाला। फिर भी उस रामजादे का जी नहीं भरा, मुझे उठाकर अपने हवेली ले गया, जबरदस्ती मेरी इज्जत लूट लिया, मुझे कई गले छोड़ा। मगर बोलते किस तरह तूने मेरे माँ और बाबूजी को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं जब तक भोपती को मार नहीं डालूंगी, मैं हाँ आज भी मेरे माँ और बाबूजी की चीखें मेरे कानों में सुनाई देती है, आज भी बोलती है। आखिर करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं इसी तरह अपना दिल छोट करती रहूंगी तो मैं भोग सिंह से कभी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हीरा है, मैं हीरा का इंतजार करती हूँ, देखती हूँ हीरा आखिर है कहाँ। और किसी दिल पर छाने को जी चाहता है, और किसी दिल पे छाने को जी चाहता है, और निगाहें मिलाने को जी चाहता है। दोहरा है मेरे नाम का इस सारे जहां में, और अच्छा चौका छक्का छूटते हैं डाकू हीरा के नाम पे। चलता हूं दोस्तों, आज मालूम नहीं क्या बात है, मेरी सरदारनी ने मुझे याद किया है। चलता हूँ पूछता हूँ क्या बात है और किस लिए याद किए। अजी बुलवाए हो किस लिए ऐ मेरे सर, बुलवाए हो किस लिए
आए मेरे सरदार, आज कौन जरूरी काम पड़ा बदलाओ तकदीर। लीला सरदारनी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। हीरा, तू यही जानना चाहता है कि आज मैं तुझे किस लिए याद की हूँ? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस लिए याद किए हो। सुन मेरी बात। बोलिए। अरे बुलाई किस लिए हीरा तुझे, सुन रहा है ना? अरे बुलाई किस लिए हीरा तुझे, और सब कुछ बताती हो। बुलाई किस लिए हीरा तुझे, सब कुछ बताती हो। अरे भरा जो अरे महे तुझे मिली, वो साफ बताती। हीरा आज सरदार, आज कितना माल लूट कर लाया है रे? यानी आप यही जानना चाहती हो कि मैंने आज कितना माल लूट कर लाया है? हाँ, मैंने आज पूरे 5 लाख रुपए लूटा। 5 लाख? हाँ, मैंने 5 लाख रुपए लूटा। तो मेरी बात सुन हीरा। बोलिए। 5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए गरीबों में बांट दे, और 2.5 लाख रुपए अपने पास रख रहे हैं। ये आप कैसी बात बोल रही हो? आप बोल रही हैं कि गरीबों में आधा पैसा बांट दे। आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि हम लोग कितने कष्ट से पैसा लूटते हैं, और आप इनको बोल रही गरीबों में बांट दे। ऐसा कभी नहीं होगा। हीरा, क्या है तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हीरा, मैं अभी भी कहती हूँ, मेरी बात को टाल मत, मैं जितना कहती हूँ समझ जा। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, यदि और कोई काम हो तो मुझे दे दिए दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो आप बोलोगे कि आधा पैसा बांट दू, तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता मैं। हीरा, तू जानता है कि मैं किसी गरीब को रोते नहीं देख सकती। जब तक ये बिजली जीता है, मैं किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दूंगी। हाँ, तू ये भी जानता है कि मैं गरीबों की मसीहा हूं। अगर गरीबों के प्रति तूने कुछ बोला तो समझ ले कि बिजली से बुरा कोई लगा। यदि आपको इन गरीबों का मसीहा बनना है तो आप इन गरीबों का मसीहा बनिए, लेकिन ये हीरा ऐसा सरगिज नहीं करेगा। खबरदार हीरा जुमारों के बजाया चमड़ी का, और पूरा फायदा और मार कोरों के चमड़ी और उड़ा धोतरी मेरे हाथों से मुझे। बात मेरी है हीरा, और सुना घर से बन हाथों से बुरके। हीरा, मैंने आपसे एक बार नहीं 100 बार यही बात बोल दूंगा, पैसा मैं गरीबों में नहीं बांटूंगा। अरे हीरा बवाल सर पे, हीरा बवाल सर पे और पाला।
काहे टूटिए, आय मकार दिल हमारा मकार दिल हमारा आय चलाया देखे मेरी बात चला है और मैं बात चलने वालों को चिंता नहीं छोड़ी है, मैं मार चालूंगी तुझे। नंबर एक, नंबर दो, क्या हुआ रे? हाँ, मरने से डर रहा? मेरी गलती, इस बार आप क्षमा कर दीजिए। यदि आप यही चाहती हैं कि गरीबों में आधा पैसा बांट दो तो ठीक है, आप चलिए, मैं गरीबों में पैसा बांट के आ रहा हूं। ठीक है हीरा, मैं चलती हूं और शाम तक पैसे बांट कर गुफा आ जाना। जय मां भवानी, जय मां भवानी। सरदार ने आपने क्या सोचा कि मैं इसी तरह खामोश रहूंगा? देख लेना हीरा से बगावत करने का अंजाम आगे होता क्या है। क्या बताऊं, अब ड्यूटी जाने से पहले एक वंशु नाम की लड़की है, उससे मैं प्यार करता हूं। चलता हूं पहला उससे मुलाकात करता हूं, अगर उससे नहीं बताऊंगा, उससे मिलूंगा नहीं, तो जिस वक्त मेरी मंजू जाने की, वो मुझसे बहुत नाराज होगी। चलता हूं। अरे आज सुबह जब मैं जगा, अरे तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, मेले खाके बेकरार कहे होला, मेले खाके बेकरार कहे होला, सारे मेरे पुराने फैशन टेंट लाइट हाउस यही ग्राम साहपुर, उन साहिबान की ओर से 11 रुपए हमारे ऑर्गन मास्टर के लिए स्पेशल, 11 नक्काशी मास्टर के लिए
और 11 ढोलक मास्टर के लिए और 20 रुपए हमारे शुक्ला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू किसने जी आप? हाँ लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस वक्त गाना में तुम बहुत मस्त हो। आज कई दिन के बाद मिले हैं। हेलो अचानक और अगर जतिन भैया ग्राम सातोपुर धर्मदास के पूर्व वहां से चल करके आए हैं और इस लड़की को कहते हैं प्यार जम पे करना, इससे चले 21 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिनों के बाद मिले लेकिन हाँ अचानक इस चमन की तरफ कहाँ जा रहे हैं आप? अचानक आने का कारण ये है कि अगर तुम सुनोगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। मैं? हाँ क्या बात है? जानती हूँ तुम्हारी कृष्णा को पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। क्या? हाँ पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी। अच्छा तो इतना अगर मैं सुनूंगी तो खुश हो जाऊंगी। और जानती हूँ आज हमें ड्यूटी में जाना है, हम सोचा कि चलिए पहले अपनी मंजू से मिलते हैं, अगर अपनी मंजू से नहीं मिलेंगे तो मेरी जान। पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी आपको खुशी होगी ना? लेकिन मुझे खुशी नहीं है, ये नौकरी बहुत बेकार होती है और आज हमें छोड़ के चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी? क्या? हाँ यानी तुम्हें खुशी नहीं है? अरे मंजू, अरे ये तो हमारी ड्यूटी है, अब ड्यूटी में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम आएंगे तो अपने मंजू से हमेशा मिलते रहेंगे। और तुम क्या सोचती हो वहाँ जाने के बाद हम तुम्हें भूल जाएंगे? यही तो सोच रही हूँ कि वहाँ जाएंगे और ड्यूटी में लगे रहेंगे, मंजू को फिर कभी याद नहीं करोगी। अरे दुनिया को भूल सकते हैं लेकिन अपनी मंजू को कभी नहीं भूल सकते हैं। हेलो और ये फिर आ गए जगमगाती लाइट डेकोरेशन के राजा, टेंट लाइट हाउस यहीं के रहने वाले हैं, उनकी ओर से इस काम में खुश होकर साजार आवाज में खुश होकर हमारे शुक्ला जी को 50 रुपए स्पेशल। अरे जहां भी हम रहेंगे हमेशा अपने दिल में और अपनी नजरों में हम तुम्हें बसा करके रखेंगे। सच कह रहे हो? सच में मंजू। अरे साथ छोड़ू ना तेरा, तुम भूलने की बात करती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खपाए, तेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला ओ ना। Yeah.
फैसला चाहे तेरा। देखो समय काफी हो रहा है और हमें ड्यूटी में जाना है। आज हमारी पहली ड्यूटी है, हमें समय से पहले पहुंचना है। अच्छा एक बात कहूं? बोलो। अरे तूने प्यार की बीले बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। अरे ये कौन है? अरे अरे इधर, अरे आंख फोड़ दोगे क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे भाई बचपन से अंदर, यानी आपको बचपन से दिखाई नहीं दे रहा? हाँ भैया। लेकिन ये डेरा लेकर के कहाँ जा रहे हो भैया? मजा तो हदगांव भानी पेरावे टाइम पर गाली बता दे। यानी हदगांव जा रहे हो? नहीं सानपुर में कारखाना चलत हो तो मो भानी पेरा दे। पहले तुम ये बताओ क्या हमारे बताने से आप रास्ता जान जाएंगे? अरे मंजू ये हमसे नहीं बात कर रहा है, बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ओ भैया तय बीड़ी किया दे। देखिए हम बीड़ी नहीं पीते। अरे झूठ ना बोलो यार, तू ना जगवा में भरे हो क्या? तू पहले ये बता, जब तुझे दिखाई नहीं देता तो तुझे ये क्या मालूम कि हमारा खीसा कहाँ है, हमारा जेब कहाँ है, हम क्या लिए? भैया था थोले से मैं सब सामान पा जा। अभी तो तेरी आंख नहीं खुल रही। गीले बजाई मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। तेरी आवरी आओ दिल को भी